368। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य बजट 2020-21 में पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास एवं उत्तरायण के हेतु 100 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष के गठन की घोषणा की गई। इस राशि को बढ़ाते हुए राज्य बजट 21-22 में 500 करोड़ रुपए एवं 22-23 में बजट में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा की गई। उपरोक्त घोषणा के क्रम में वर्ष 2021-22 में राशि 26 करोड़, 22-23 में 140 करोड़, कुल राशि रुपये 166 करोड़ की ऋण राशि राजस्थान पर्यटन विकास निगम को आवंटित की गई है। खंड दो, जी हाँ, उपघोषणा अंतर्गत चयन पर्यटन स्थलों एवं स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी कि टोटल उन्होंने प्रावधान इन 3 सालों में 1600 करोड़ रुपए का दिया है, जिसके अंदर से आवंटित राशि 166 करोड़ है। तो माननीय मंत्री महोदय, टोटल व्यय कितना, एक्चुअल वास्तविक व्यय इन राशियों का कितना हुआ है? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि इस परिशिष्ट ए में राजसमंद के लिए आपने 1 करोड़ रुपये झील के उसके लिए दिए हैं। माननीय मंत्री महोदय, ये इसका जो टेंडर है वो पिछले 1 साल से ड्यू है, अभी तक वो टेंडर हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो ये 1 करोड़ है, इससे राजसमंद झील एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी झील है। इस 1 करोड़ में उसमें पर्यावरण के पर्यटन के रूप में कुछ भी मदद नहीं हो सकती। तो क्या आप ये मंशा रखते हैं कि इस 1 करोड़ को बढ़ाकर आप 10 करोड़ रुपए करें, ताकि उस झील का एक्चुअली पर्यटन के उसमें अच्छा उपयोग हो सके उस राशि का? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सदस्य का जवाब ये देना, माननीय सदस्य का जवाब देना चाहूँगा कि जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक भी किस्तों में लोन देता है। अगर 25 लाख का लोन ले रहे हैं तो इकट्ठे में नहीं मिलता, वही प्लिंथ लेवल तक मकान बन जाता है, फिर उसके बाद दूसरी राशि मिलती है। इसी तरीके से इस कोष का आवंटन किया जा रहा है। और जहाँ तक सवाल है, आपने जो झील के बारे में बात करी है राजसमंद में, इसमें 22-23 का काम है, टेंडर टेक्निकल कारणों के कारण फेल हो गया। आप मुझे अब मैं दोबारा इसका टेंडर हो रहा है, उसका एक प्रोसेस है। पहले वर्क आइडेंटिफाई होता है, फिर एजेंसी नियुक्त होती है, फिर एस्टिमेट और डीपीआर बनती है, फिर एएनएफ इशू होता है, टेंडर वर्क लगता है, फिर वर्क ऑर्डर गिवन, और फिर उसके बाद काम शुरू होता है। और अगर राशि आप कम पड़ रही है उसको मैं जांच करा करके राशि को बढ़वा दूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मंत्री महोदय का मैं करना चाहूँगी कि वे राशि बढ़ा रहे हैं। बस आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि राजसमंद झील के अंदर बहुत सारे अलग अलग इशू हैं। जलकुंभी का भी इशू है, वहाँ पे जो फवारे हैं वो भी बहुत इशू है। तो जब आप जाँच कराएँ, अधिकारियों को बोलें कि हम लोगों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी वो सूचना दें, ताकि हम उनकी मदद कर सकें सही जाँच में। धन्यवाद जी। बिल्कुल, मैं दिखवा लूँगा, इसकी जाँच करा लूँगा। पक्का है जी? पक्का। जा क्या हुक्म भैया जी? अगला प्रश्न श्री अमीन।